धौलपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण विस्फोटक होता जा रहा है। इससे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या जो है वो 152 हो गई। इसमें बाड़ी उपखंड के राजकीय चिकित्सालय का एक डॉक्टर और शहर के 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। धौलपुर शहर की जैन कॉलोनी में रहने वाले कोरोना रोगी 20 लोगों को अपनी चपेट में लेकर संक्रमण में भारी इजाफा कर दिया। सरमथुरा कस्बे के आधा दर्जन सब्जी विक्रेता कोरोना रोगी मिले। जेल का एक कैदी भी कोरोना रोगी मिला, जिससे कि जेल प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई। बीते 3 दिनों में कोरोना रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। इससे चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि नए रोगियों में कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के दूसरे शहरों के कारण आए लोगों के कारण हुआ। कल जो लिस्ट आई थी उसमें एक अस्पताल के डॉक्टर हरिकृष्ण मंगल भी थे। चूँकि अस्पताल के 3-4 कर्मचारी संक्रमित की वजह में आए, तो आज निर्णय लिया गया कि अस्पताल को निरंतर 2-3 दिन तक कंप्लीट सैनिटाइज किया जाएगा, जब तक गौरव द्वार पर OPD NIMH जगह चलाया जा रहा है और संक्रमित पार्ट भी दूसरी जगह चिन्हित किया, जिससे ये काम रखिए और अपन इस पर पूरी तरह काबू पा सकते। 40 की लिस्ट में एक विशेष बात यह है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ रामनिवास निकले थे पॉजिटिव, उनके कॉन्टैक्ट वाले 20 लोग निकले हैं जो जैन गली के हैं और उनसे संबंधित कुछ उनके कार्मिक व पड़ोस के दुकान वाले, उन सबको और कॉन्टैक्ट किया जाता है कि वो कितने लोगों से मिले और उनकी संख्या कराई जा रही है और उन सबको आइसोलेट किया जाए।